अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विवाद न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की अहम और खास खबरें। ये अफसोस की बात है कि हमारे हरदिल अजीज एक्स मिनिस्टर और हमारी पार्टी के लीडर जनाब फरीदुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वो दवाखाने में शरीक थे, उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद 5 बजे तक बहुत अच्छी थी कैफियत, बस सडनली हार्ट अटैक होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हम लोग सब उनके गम में शरीक है और कल तकफीन उनकी ज़हीराबाद में होगी, उनकी नेटिव प्लेस में। आज घर पर हमारे हरीश राव साहब और MP साहब, MLA साहब, बहुत से लीडर्स यहाँ पर आए थे पुरसा देने के लिए। इंशाल्लाह कल मैयत में भी शरीक रहेंगे। और यह खबर बहुत दुख की खबर है, CM साहब भी काफ़ी देख रहे हैं, मामले में मालूमात हासिल किए। और फरीद भाई बहुत खामोश लीडर थे, बहुत अच्छी खिदमत किया करते थे और हमारी पार्टी में काफ़ी दिन से वो बहुत तेलंगाना की तरक्की में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे। हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में उसका आज का जो उनका इंतकाल हुआ उस पर खाली दुख का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला से यही गुजारिश, अल्लाह ताला वो बहुत आवाम की खिदमत करते रहे, उनकी मगफरत करें और जन्नत फिरदौस में जगह अता। जो इंतकाल हुआ बहुत अफसोस है। आज फरीद भाई का जो इंतकाल हुआ, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ आवाम का, क्योंकि आप एक खामोशी से खिदमत करने वाले मिनिस्ट्री में भी हो या अभी हमारे TRS पार्टी में भी आके जो है खिदमत एक अच्छे तरीके से खिदमत कर रहे थे और हर 8-10 दिन में मेरे से भी बात करते थे वो। और अल्लाह का करम ये था कि वो उनका ने कभी बड़ी बोल नहीं थी और हर एक के साथ मिलना जुलना, अच्छी बात करना और एक शरीफ इंसान, नेक इंसान थे और इंतहाई नेक इंसान थे वो। और अल्लाह ताला इनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके बच्चों को, बच्चियों को, उनके घर वालों को, उनकी मिसेस वगैरह को भी अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और इनके ख़ानदान वालों को भी सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह से मेरी गुजारिश है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि मेरे से बहुत ही करीब ताल्लुकात थे, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे और मेरे से मिलना करना अच्छे हिस्से जो है बहुत ही पहले से थे हमारे मुलाकात। हाँ, ज़हराबाद लेके जाएंगे, ज़हराबाद में ईदगाह में रखेंगे बोल रहे और जोहर में 2:30 बजे तक तदफीन का रखेंगे बोल के अभी उनका मुकाम है, वहाँ से लेके जाके ज़हराबाद जाएंगे, वहाँ पर ईदगाह में करके वहाँ से तदफीन नमाज जनाजा वहाँ से ईदगाह में करके करेंगे। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना। हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड। बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल, थिंक सेल वर्ल्ड। अपोजिट चार मीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।